नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने तर्क अर्थात लॉजिक क्या है उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देंगे। आपको हम बता दें, जैसा आप जानते हैं, हम गवर्नमेंट टीचिंग की आपकी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड या बीटीसी के स्टूडेंट्स हो या आप यूपी टेट सी टेट या अदर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए और आज तर्क के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं तर्क के टॉपिक में आखिरकार है क्या। पहले बात कर लेते हैं तर्क आखिरकार है क्या। तो तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए। आपके सामने कोई समस्या है तो उस समस्या को हमेशा जो हल करते हैं ना, वो तर्क की प्रक्रिया के द्वारा हल करते हैं। बिना तर्क के आप किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकते। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, रीजनिंग में एक लॉजिकल रीजनिंग होती है, तार्किक रीजनिंग होती है। तो जो लॉजिक होता है, जब तक लॉजिक नहीं लड़ाओगे अपने, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करती है। तो तर्क यानी लॉजिक लगा के ही हम समस्या का हल प्राप्त करते हैं। आगे बात करें तो गैरेट जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने अनुसार परिभाषा दी है तर्क की। मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना तर्क है। मतलब आपने किसी लक्ष्य को सोच लिया, ये आपका गोल है, ये आपका गोल है, और इसको मन में आपने सोचा और इसके बाद इस प्लानिंग करना, इसका चिंतन करना, स्टेप बाय स्टेप उस लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी करना, दैट इज लॉजिक अकॉर्डिंग टू गैरेट। बात करें वुडवर्थ के शब्दों में, तो वुडवर्थ के शब्दों में तर्क में यानी तथ्यों और सिद्धांतों को यहां पर तर्क बोला गया है, जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब आपके सामने तर्क में जो स्मृति है यानी जो याददाश्त है, जो ज्ञान है, या फिर वो वर्तमान में कोई निरीक्षण किया हो आपने, उसके द्वारा जो आपके पास ज्ञान उपलब्ध है उसको मिलाया जाता है। यानी कि तर्क में जो लॉजिक आप यूज कर रहे हो, उसमें जो स्मृति द्वारा जो ज्ञान है आपके पास, जो पुराना कोई ज्ञान है आपके दिमाग में, उसे तर्क में मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद यानी तर्क प्लस जो आपकी मेमोरी की नॉलेज है, मेमोरी की जो नॉलेज है उसका जो रिजल्ट निकलता है, उसी से हम किसी भी चीज का जो हल है वो प्राप्त करते हैं। ये किसने बताया? ये आपको वुडवर्थ ने बताया। आगे बात करें, तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। यानी तर्क शक्ति कब लगाई जाती है? जब हमें लक्ष्य तक पहुंचना होता है, तो तर्क शक्ति आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। आगे बात करें, तर्क में पूर्व ज्ञान, ये ध्यान दीजिएगा, पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण किया जाता है। इससे समस्या समाधान की नवीन विधियों का जन्म होता है। मान के चलिए आपके पास कोई पूर्व ज्ञान है, आप पेपर में बैठे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, वहां पे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो वहां पे आप क्या याद करोगे? अपने पूर्व ज्ञान को याद करोगे, पूर्व अनुभव को याद करोगे, पूर्व अनुभूतियों को याद करेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो सेम यही है कि इसमें समस्या समाधान में तर्क में हम पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। आगे बात करें तो तर्क में किसी घटना के कारण को खोजा जाता है। कोई घटना हो चुकी है तो उस घटना का जो कारण है वो भी तर्क के द्वारा ही खोजा जाता है। इसमें सीखने की विभिन्न विधियों, प्रयत्न एवं भूल, सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, सहचार्य द्वारा आदि का सहारा लिया जाता है। कहने का मतलब है, तर्क को आप सीधे अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सीखने कुछ विधियां अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे प्रयत्न और भूल का नियम होगा, सूझ का नियम होगा, अनुकरण का नियम होगा, सहचार्य का नियम होगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे, आदि का सहारा लिया जाता है। यह विद्या क्रमवार प्रयोग की जाती है, जब तक कि समस्या है तर्क का प्रयोग होता रहेगा। कुल मिलाकर जो इस पूरी स्लाइड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका एक विश्लेषण यह है कि तर्क हमारी समस्या के समाधान का रास्ता है। आप तर्क का यूज करेंगे तो समस्या का समाधान आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे बात करते हैं तर्क के प्रकार की। तो आपके सामने जो दूसरा प्रकार है वो निगमन तर्क है आपका, और इससे जो पहला जो तर्क है प्रकार है वो है आगमन तर्क। तो दोनों तर्क की हम बात करेंगे। तो तर्क को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, पहला है आपका आगमन तर्क और दूसरा है आपका निगमन तर्क। दोनों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहले आगमन तर्क की बात कर लेते हैं। इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है।
ध्यान दीजिएगा, बेस क्या है, आधार क्या है, एक तो उसके खुद के अनुभव और खुद के द्वारा जो उसने तथ्य संजोए हैं, संकलित किए हैं, उनके आधार पर किसी नियम या सिद्धांत का क्या करेगा, निरूपण करेगा। आगे बात करें, इसमें वह तीन स्तरों से होकर गुजरता है, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। पहला कौन सा है, निरीक्षण है, दूसरा कौन है, परीक्षण है, तीसरा कौन सा है, सामान्यीकरण है। चलो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके उस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। सॉरी, बात करें, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपके अपने अनुभव या आपके कोई संकलित तथ्य है उनका यूज करेंगे और अपना एक नियम और सिद्धांत बना लेंगे। जब माँ बाहर गई हुई थी, जब वो घर पे लौटी तो उसने बच्चे को क्या पाया, रोता हुआ पाया। तो यहां पर रो क्यों रहा है, इस सिद्धांत का निरूपण करना है, हमें इस नियम का निरूपण करना है कि वो रो क्यों रहा है। उसके बाद हम अपने अनुभव का यूज करते हैं। कुछ दिन पहले बच्चा को भूख लगी थी और जैसे दूध पिलाया गया वो चुप हो गया, मतलब वह भूख के कारण रो रहा था। तो इसमें कहाँ से यूज हुआ, आपके अनुभव यूज हुए, आपका जो पास्ट में जो घटनाएं हुई वे यूज हुई। तो अपने अनुभव के द्वारा किसी नियम या सिद्धांत का निरूपण करना है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, यही क्या है, आपका आगमन तर्क है। इसमें हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसमें आपके अनुभव का यूज होगा और किससे क्या होगा, आपके कुछ नियम का निरूपण करेंगे आप। कितने स्तर हो गए इसमें, तीन स्तर हो गए। पहला होगा निरीक्षण, दूसरा होगा परीक्षण और तीसरा होगा सामान्यीकरण। ध्यान दीजिएगा, पहला निरीक्षण आ जाता है कि ना आगमन तर्क में कुल कितने स्तर होते हैं, नाम लिखो। पहला है निरीक्षण, दूसरा है परीक्षण और तीसरा है सामान्यीकरण। अब बात करें, इसमें इस विधि में हम कहां से कहां की ओर जाते हैं, विशिष्ट सत्य से हम सामान्य सत्य की ओर जाते हैं। विशिष्ट सत्य कौन सा होगा, जो हम अनुभव, जो हमारे अनुभव हमसे कह रहे हैं, और सामान्य सत्य क्या होगा, जो वास्तविकता है। तो हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर जा रहे हैं। कभी कभी झूठ भी हो सकता है, क्या पता बच्चा इसलिए रो रहा है उसे चोट लग गई है वो नहीं बता पा रहा है, तो विशिष्ट सत्य यहाँ पर सामान्य सत्य को नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए जो आपका अनुभव होना चाहिए वो थोड़े स्ट्रोंग होना चाहिए, थोड़ा आपको पहचान होनी चाहिए। इसीलिए आपके अनुभव और जो आपके द्वारा संकलित तथ्य है उनके द्वारा ही नियम का निरूपण होगा, सिद्धांत का निरूपण होगा, उसको द्वारा पता लगा पाएंगे एक्चुअल रीजन क्या है। तो यही आपका क्या है, आगमन तर्क है। बात करते हैं हम निगमन तर्क की। ये निगमन तर्क क्या है, इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभव, ठीक है ना, उसमें क्या था, उसमें अपने अनुभव की बात चल रही थी, यहां क्या होगा, दूसरों के अनुभव, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करेगा। जैसे माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है कि वह बच्चे को रोता देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे दूध पिला देती है। इस प्रकार इस विधि में हम एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। अब आप सोचेंगे कि आगमन निगमन में फिर फर्क क्या रहा, फिर फर्क क्या रहा। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पे हमने बात की मां की कि मां को पता है, मां का पूर्व अनुभव है कि मेरे बेटे को भूख लगती है तो वो रोता है। यहां पर हम बच्चे के अनुभव की बात करेंगे, बच्चा कैसा अनुभव कर रहा है, नहीं दूसरे के अनुभव की बात करेंगे। भाई बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे हम फील कर सकते हैं कि उसे भूख लगी है, ठीक है। तो यहां अनुभव किसका हुआ, यहां उस बच्चे का अनुभव हुआ, उसके अनुभव को हमने फील किया, उसके विश्वास को हमने फील किया, उसके सिद्धांत को हमने फील किया कि बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है, फिर से हम दूध पिला देते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। तो ये हो गया आपका निगमन तर्क। तो सिंपल सा इसका एक ही फंडा है कि आगमन तर्क तो आपके अपने अनुभव पर बेस्ड रहेगा और जो निगमन तर्क होगा वो सामने वाले दूसरे के ऊपर बेस्ड रहेगा, दूसरे के अनुभव के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो तर्क के बारे में हमने आज क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा, आपको थोड़ा सा बता दे, तर्क क्या होता है, तर्क की डेफिनेशन हमने पढ़े, तर्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, फिर जो तर्क है उसमें कितने प्रकार के तर्क होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। आगमन तर्क जो होता है वो अपने अनुभव पर बेस्ड होता है और निगमन तर्क आपके दूसरों के अनुभव, विश्वास और सिद्धांत पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसमें आप सारे के सारे टॉपिक्स हम फ्यूचर में भी कवर करेंगे, फिलहाल आपकी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो है ये सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।